कई देशों के चुनावों में फेसबुक के जरिए फैलने वाली फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। फेसबुक ने इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद अपने मुख्यालय में एक वॉर रूम बनाया है, जिसमें हर वक्त कंपनी के 20 एक्सपर्ट मौजूद होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए फेसबुक पर आने वाले हर पोस्ट पर निगरानी रखेंगे। किसी पोस्ट या कंटेंट पर शक होने पर ये लोग उसे एक घंटे के अंदर हटा देंगे। हालांकि इसका फैसला न्यूज रिपोर्ट, वेबसाइट और एक्सपर्ट से मशवरा करके ही होगा। फेक न्यूज पर रोकथाम में जुटे एक्सपर्ट को सिर्फ वॉशरूम जाने और अपने डेस्क पर खाना खाने की इजाजत होगी। फेसबुक इस वॉर रूम को इस्तेमाल सबसे पहले ब्राजील और अमेरिका में अगले महीने होने वाले उपचुनाव में कर रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नम्रता नदी में जबरन विसर्जन पड़ रहे लोग रो के जाने पर वहां पुलिस से भिड़ गए। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्मदा नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई। बावजूद इसके लोग ट्रक में देवी की मूर्ति लेकर नर्मदा के ग्वारी घाट पहुंच गए, जहां पुलिस ने विसर्जन का विरोध किया तो लोग भड़क गए। इस दौरान लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लोगों को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर लाठियां बरसाकर तितर बितर करने की कोशिश की। पुलिस के लाठीचार्ज से भीड़ और उग्र हो गई और कुछ लोगों ने सड़क किनारे लगी कई बाइक को नीचे गिराकर आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बताया गया कि हालात बिगड़ता देख पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी और प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन के बनाए विसर्जन कुंड में ही विसर्जन किया। यूपी के झांसी में कुछ किसानों ने कलेक्टर के दफ्तर के सामने अपनी शर्ट और पैंट उतारकर प्रदर्शन किया। जमीन के बदले मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे इन किसानों को कलेक्टर ने समझाने की कोशिश की, जो नाकाम रही, जिसके बाद खफा किसानों ने अपनी पैंट शर्ट उतारकर अंडरगार्मेंट्स में ही सड़क पर रैली निकाली और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अपनी नारेबाजी की। इसके बाद किसानों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने ही जमकर प्रोटेस्ट किया। किसानों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। अगर ये नहीं मानते हैं तो एक बड़ा आंदोलन विधुआ जी ने और तैयार कर रखा है, वो संभलेगा भी नहीं, फिर प्रदेश में हाहाकार मच जाएगी। हालांकि इस प्रोटेस्ट से पहले एडीएम नागेंद्र शर्मा ने किसानों को उनका मुआवजा जल्द दिलाए जाने का भरोसा दिया, लेकिन किसान नहीं माने, जिस पर एडीएम भी अपना गुस्सा जाहिर करने से नहीं चुके। इस बीच किसानों ने सरकार पर उनकी सुध नहीं लेने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। चीन के जुहाई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने समंदर में बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। ये पुल चीन के हांगकांग को मगाओ से जोड़ेगा, जिसकी आधिकारिक शुरुआत के लिए खुद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जुहाई पहुंचे। अधिकारियों और नेताओं के सामने जिनपिंग ने पुल के उद्घाटन की घोषणा की। दावा किया गया कि पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। इस पुल के बनाने में चीन को 10 साल से ज्यादा का समय लग गया। इतना ही नहीं, इस पुल को बनाने में भारतीय रुपए के हिसाब से 12 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। इस पुल के उद्घाटन के बाद इसे गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया और इसके लिए सबसे पहले एक बस चलाई गई। पर्ल नदी पर बने इस पुल पर पहली बार ये बस हांगकांग से चलकर मकाओ पहुंची। इस दौरान बस नदी में पानी के अंदर बनी एक सुरंग से भी गुजरी, जिसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर है। इस पुल के चालू हो जाने से पर्ल नदी के जरिए हांगकांग से मकाओ की दूरी 1.5 घंटे के बजाय केवल आधे घंटे में पूरी की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी को दिए गए उर्दू में लिखी गीता और रामायण खरीदने के आदेश को वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने 4 अक्टूबर को हुई बैठक में उर्दू में लिखी गीता और रामायण खरीदने का फैसला लिया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार को स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश वापस लेना पड़ा। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर में स्कूल, कॉलेज और पब्लिक लाइब्रेरी में उर्दू में लिखी श्रीमद् भागवत गीता और सर्वदानंद प्रेमी की लिखी कोशर रामायण खरीदने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने विरोध करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सिर्फ गीता और रामायण ही क्यों, अगर स्कूल, कॉलेज और सरकारी लाइब्रेरी में धार्मिक किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो सिर्फ चुनिंदा किताबें ही क्यों, इसमें दूसरे धर्म की अनदेखी क्यों की जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले का समर्थन किया था। केंद्र सरकार ने गीता और रामायण को देश की पहचान बताया और स्कूल, कॉलेज में धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने के विरोध को गलत बताया था। ये संस्कृति का आधार है रामायण महाभारत भगवद गीता है। अगर देश की सरकार अगर इसके बारे में कुछ सोचती है कि देश में हर व्यक्ति इसके बारे में नॉलेज रखे, ज्ञान रखे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत किया जा रहा है।
वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया कि धार्मिक मुद्दों में सरकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। हिंदू इस्लाम का ज्ञान हासिल करे, मुसलमान हिंदू धर्म का ज्ञान हासिल करे, क्रिश्चियनिटी का करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इसमें नहीं आना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश वापस लेने के फैसले पर खुशी भी जताई। टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि साल 31 मार्च तक टेलीकॉम कंपनियां अपने काम के तरीके में बड़े बदलाव करने जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इन बदलावों की वजह से टेलीकॉम सेक्टर 65,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी छीन सकती है। बताया जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां कंसोलिडेशन यानी कई कामों को एक जगह लाने की योजना पर काम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनियों के अलग अलग विभागों में नौकरी कम होगी। दावा किया जा रहा है कि कंसोलिडेशन की सबसे बड़ी मार कस्टमर सपोर्ट और फाइनेंस से जुड़ी कर्मचारियों पर पड़ेगी और आशंका जताई जा रही है कि सिर्फ इन्हीं दो डिपार्टमेंट में 15,000 कर्मचारियों की छुट्टी हो सकती है। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी वजह बाजार में रिलायंस जियो के आने को बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रिलायंस जियो की वजह से कई छोटी कंपनियां बंद हो गईं, तो आइडिया और वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियों को विलय करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नामांकन से पहले एक चुनावी सभा की। आरोपी की रमन सिंह ने इस बीच चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी किया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से की। कांग्रेस का दावा है कि सीएम ने नगर निगम के जिस स्कूल में सभा की वहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। कांग्रेस ने इस बात को आधार बनाते हुए चुनाव आयोग से रमन सिंह पर कार्रवाई की मांग की। उस स्कूल में सभा करते हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों को शुचिता का पाठ पढ़ाने वाले रमन सिंह को इतना भी ख्याल नहीं रहा कि आदर्श आचार संहिता राज्य प्रभावी है और उन्हें इनका पालन करना चाहिए। रमन सिंह की सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए पहुंचे थे, जो रमन सिंह के नामांकन के समय भी उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस ने रमन सिंह के मुकाबले के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को राजनांदगांव से मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में 180 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 180 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए किसानों के अलग अलग तरीके से मदद करने का ऐलान किया। वहाँ के जो विद्यार्थी है उनको जो परीक्षा शुल्क है उसमें से छूट दी जाएगी। वहाँ पर जो किसानों ने कर्जा लिया हुआ है उसको उसकी जो वसूली है उसको स्थगित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले रिटायर्ड IFS अधिकारी सत्येंद्र कुमार दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और इनके आने से हमें बहुत लाभ होगा। मध्य प्रदेश के पवई के पास एक गांव के लोगों ने राजनीतिक दलों पर विकास न किए जाने के आरोप लगाते हुए चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी। सर्वसम्मति से सभी गांव वालों ने निर्णय लिया है कि हम किसी भी छोटे या बड़े चुनाव में किसी भी तरह का कोई मतदान नहीं करेंगे, हमेशा चुनाव को बहिष्कार किया।